एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फैट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियम आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। शायद आप समझे नहीं, मैं सफ़ेद मूसली की बात कर रहा हूँ। ये हर्ब जो है हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलियम की बात कर रहा हूँ, ये केमिकल नेम है इसका। और ये जो हर्ब है, ये प्लांट जो है हमारे कई एरिया में पाया जाता है, हिमालय साइड पाया जाता है। इसकी लीव्स जो हैं ईडेबल है, खाई जा सकती हैं, और जो इसकी जड़ है उसके और बीज हैं जो, वो दोनों मिक्स करके, दोनों उनको पीस के जो है ये हर्ब बनाई जाती है सफ़ेद मूसली, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं पर कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो पहले डॉक्टर से अपने कंसर्न ज़रूर करें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ना लें, आपको नुकसान हो सकता है। अब जो मेन चीज़ें हैं सफ़ेद मूसली या क्लोरोफाइटम बोरीविलियम के अंदर, वो दो कंपाउंड केमिकल कंपाउंड हैं जो कि इसके मेन बेनिफिट हैं, उनके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, स्टिग्मा स्टीरोल और हैकोजेनिन। स्टिग्मा स्टीरोल की बात करूँ तो वो आपको कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम उनको ठीक करता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत बेनिफिट देता है, आपके हार्ट रिलेटेड जो हेल्थ है उसको बहुत बढ़िया रखता है, जिसकी बात करूं मैं स्टिग्मा स्टीरोल की। और दूसरी चीज एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी जो ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, उनको एक्सपेल करता है, उनको खत्म करता है, और हमें जो है एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, मतलब कि हमारी एजिंग स्लो डाउन होती है, हम यंग दिखाई देते हैं। तीसरी चीज अगर कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी राहत पाई गई है, मतलब उसके लिए भी, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और डायबिटीज वगैरह को भी कंट्रोल करने में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता। पर यहाँ पे एक चीज़ समझे, जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन में इसकी कैसे महत्ता है, यही हम यहाँ पे समझने आए, क्योंकि मेरा जो चैनल है फिटनेस बॉडी बिल्डिंग का, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसके कारण हम फैट भी जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, हमारे दिल की जो सेहत है उसको भी ये बढ़िया करता है, बाय रिड्यूसिंग एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे दिल की सेहत को बढ़िया करता है स्टिग्मा स्टीरोल। तो ये इसके सारे बेनिफिट हो गए। टेस्टोस्टेरोन जब भी ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी जो है जल्दी मसल बिल्ड कर सकती है, हालांकि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, पर मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में दोनों में ही बेनिफिशियल है, आप ज़्यादा मसल गेन कर सकते हैं और फैट भी जल्दी रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से। तो ये सारे इसके बेनिफिट थे स्टिग्मा स्टीरोल केमिकल कंपाउंड, जो कि हमारे क्लोरोफाइटम बोरीविलियम यानी कि सफ़ेद मूसली में पाया जाता है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था हैकोजेनिन की। हैकोजेनिन जो है वो बेसिकली एक स्टीरॉयड टाइप का काम करता है, और ये ऐसा इसका काम है कि हमारी जो मसल बिल्डिंग का इफेक्ट है उसको बढ़ाता है। कैसे? ये रिकवरी में बहुत बढ़िया है, जो हैकोजेनिन है वो पाया गया है कि रिकवरी इससे बहुत बढ़िया होती है, अगर मसल इन्फ्लामेशन है, मसल में मसल टॉर्नेस हो गया, उसकी रिकवरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है हैकोजेनिन। तो ये दोनों ही चीज़ जो है, स्टिग्मा स्टीरोल हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करेगा, हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया, और अगर हम इसकी हैकोजेनिन की बात करेंगे तो मसल रिकवरी को बहुत बढ़िया तरीके से हील करता है, हमारे मसल्स को बहुत बढ़िया तरीके से हील करता है। ये दोनों बेनिफिट जब मिलेंगे तो मसल बिल्डिंग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल अप होता है, जैसे मैंने बताया था स्टिग्मा स्टीरोल के बारे में कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है, जिसके कारण हम ऑल ओवर देखा जाए तो सफ़ेद मूसली हमारी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, लो लिबिडो हो गया, सेक्स की इच्छा ना करना, ज़्यादा जो सेक्स ड्राइव जो है कम जाती है, मतलब कि ज़्यादा देर नहीं कर पाते, जिनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन वगैरह की प्रॉब्लम जो है सारी सफ़ेद मूसली से अच्छे तरीके से ठीक की जा सकती है, हील की जा सकती है ऐसी सारी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करोगे, स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें जो है सफ़ेद मूसली आप अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि दोनों ही जो केमिकल कंपाउंड इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। जो हमारा स्टिग्मा स्टीरोल है, ये जो प्लांट का जो कह सकते हैं प्लांट ऑयल होता है, सारी चीज़ों में ऑयल होता है, तो उस ऑयल में ये एग्जिस्ट करता है स्टिग्मा स्टीरोल। तो आप ये सारी चीज़ें समझ लें, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अप होने वाला है, मसल रिकवरी भी बढ़िया तरीके से होगी, और सेक्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो भी ठीक होने वाली है। सफ़ेद मूसली के इतने ज़्यादा बेनिफिट है, 400 रुपये तक में, ठीक है, आपको 100 ग्राम तक का अवेलेबल होता है, किसी केमिस्ट स्टोर से ले सकते हैं, या जो हमारी आयुर्वेदा की दुकानें होती हैं, या जो और जो होम्योपैथी की दुकानें होती हैं वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, पर डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, उनसे बात करके ही लें कोई भी ऐसी चीज़। यूज़ कैसे करना है, आप एक इसका टी स्पून जो आता है
इसके अंदर ही 5 ग्राम तक का छोटा चम्मच होता है, वो जितना भी वो कम यूज़ करें शुरुआत में, और एक उसका जो है स्पून आप ले सकते हैं दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के आधे एक घंटे के बाद गर्म पानी या दूध के साथ, और अगर दो बार लेना है तो रात को खाने के बाद भी ले सकते हैं या लंच के बाद भी ले सकते हैं दूध के साथ एक चम्मच उसमें भी, जब आप डोज बढ़ा देंगे। पहले जो शुरुआती दिनों में डोज जो रखनी है एटलीस्ट 2 हफ्ते तक जो डोज रखनी है वो एक चम्मच ही यूज़ करें दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के आधे एक घंटे के बाद, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। पर इसकी ओवरडोज बिल्कुल नहीं करें क्योंकि इसके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं, और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको ना यूज़ करें, ठीक है। और जिनको कोई और प्रॉब्लम है, कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें हैं, वो अपने डॉक्टर वगैरह को कंसर्न करें। मैं तो सबको ही कहता हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछा करें ऐसी कोई भी चीज़ लेने से पहले, सलाह लेना बहुत बढ़िया, क्योंकि डॉक्टर का वो प्रोफेशन है, वो हम बता सकते हैं आपको कि ये टेस्ट बूस्ट करेगा, सिंपल सी चीज़ है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करेगा, पर जो डॉक्टर है वो आपको जो है साइड इफ़ेक्ट्स बढ़िया तरीके से बता सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि आपकी डोज जो है ओवर नहीं रखनी आपने, और इसके बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और शेयर कर दिया करें वीडियो भाई, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लव यू।